जो लोग जैसे एक समय में सीता मैया का चीरहरण हुआ था, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला आज उदयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोल रहे थे। वो उदयपुर के ताज अरावली होटल के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। इसी दौरान उनकी जुबान फिसली और उन्होंने ये विवादित बयान दे डाला। वे द्रौपदी के चीरहरण का उदाहरण देते वक्त सीता माता का चीरहरण बोल बैठे। अब इस बयान पर राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया है। सुनिए उनका पूरा बयान। विश्वास है वो मुकुल वासनिक जी हों, प्रमोद तिवाड़ी जी हों, मैं स्वयं हूँ, आदरणीय अशोक गहलोत जी हों, हमारे विधायक साथी हों, हमें ये विश्वास है कि कल के चुनाव में प्रजातांत्रिक बहुमत की जीत होगी। प्रजातंत्र का चीरहरण करने वाले लोग जो धन बल, सत्ता बल, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के भरोसे यहाँ आए हैं, उन्होंने पहले पिछले राज्यसभा के चुनाव में भी भाजपा के लोगों ने मुंह की खाई थी, इस बार भी वो मुंह की खाएगी। सच जीतेगा, बहुमत जीतेगा, प्रजातंत्र जीतेगा, संविधान जीतेगा, कानून जीतेगा, नैतिकता जीतेगी। और झूठ का आवरण पहने जो लोग जैसे एक समय में सीता मैया का चीरहरण हुआ था वो अब प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं, वो लोग हारेंगे, बेनकाब हो जाएंगे। अब जब कांग्रेस के पार्टी प्रवक्ता से गलती हो जाए तो भाजपा भला मौका कहाँ छोड़ने वाली थी। बीजेपी ने बिना समय गवाए मुद्दा उठा लिया और कांग्रेस प्रवक्ता पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर लिखा कि चीरहरण सीता मैया का नहीं हुआ था, प्रजातंत्र का चीरहरण भी आपातकाल लगाकर सैकड़ों बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कौरवों की भांति कांग्रेस ने ही किया है। इसके बाद भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी ट्वीट कर सुरजेवाला को घेरा और लिखा कि कांग्रेस को हिंदुओं से इतनी घृणा क्यों है। मंदिर मंदिर घूमकर चुनावी पर्यटन करने वाले राहुल गांधी वैसे भी हिंदुत्व जैसे पवित्र शब्द से चिढ़ते हैं। उनकी पार्टी भगवान राम का अपमान करती रहती है। आज फिर कांग्रेस ने माता सीता पर अभद्र टिप्पणी कर हिंदुओं की आस्था को चोटिल किया है।